सो हेलो गाइस, अगर आप एक शॉर्ट वीडियो क्रिएटर हो तो गाइस इस वीडियो को फुल वॉच जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किसी के भी वायरल सोर्स को आप यहाँ पर डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो और उसमें भाई मिलियों में व्यूज ले सकते हो। गाइस वो कौन सी ट्रिक और किस ऐप से वो डाउनलोड होता है जिससे आपको नॉन कॉपीराइट क्लेम की वो वीडियो मिलेगी, तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको वही बताने वाला है। तो भाई वीडियो को फुल वॉच जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। गाइस अगर आप उससे पहले नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना आपका ट्रिक वर्क किया है नहीं किया। तो गाइस बिना कोई देरी किए चलो वीडियो को स्टार्ट कर दे और यहाँ पे आपको बिना कॉपीराइट क्लेम की वीडियो डाउनलोड कराते हैं। सो गाइस आप लोग देख सकते हो मैं YouTube के अंदर हूँ। गाइस आज की इस वीडियो को बताने वाला हूँ किस तरह से गाइस आप नॉन कॉपीराइट क्लेम आप शॉर्ट वीडियो वायरल कर सकते हो। और भाई वायरल करने के लिए सबसे पहले उसको डाउनलोड करना बहुत ही जरूरी है गाइस, अगर आप उसको बनाना नहीं चाहते। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो है जिसपे गाइस यहाँ पे व्यूज है 1.8 मिलियन। गाइस मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कौन सी वाली वीडियो है जिसका मैं बोल रहा हूँ। गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वीडियो को आपको दिख रहा होगा 1.8 मिलियन व्यूज है। जैसे गाइस यहाँ पे और भी वीडियो है आप देख सकते हो, गाइस यहाँ पे और भी वीडियो शो हो रही है, जैसे कि भाई दूसरी वाली वीडियो है 3.5 मिलियन व्यूज है। गाइस यहाँ पे है 812K व्यूज, यानी कि गाइस ये भी वीडियो बहुत ही जल्दी मिलियन में पहुंच सकती है और भी यहाँ पे बहुत सारी जो वीडियो है वो मिलियन में है। तो गाइस अब बात आती है यहाँ पे आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो, तो सिंपल गाइस इस पे आपको आ जाना है वीडियो पे। गाइस वीडियो पे आने के बाद यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जैसे गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जैसे आप शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो गाइस आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं शेयर वगैरह करने को वीडियो को, लेकिन आपको शेयर नहीं करना है। आपको यहाँ पे कॉपी लिंक का ऑप्शन आएगा तो गाइस आपको सिंपल से ऊपर से कॉपी कर लेना है। तो गाइस जैसे ही ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ चुका है, तो गाइस आपको करना को आपको वापस आ जाना है और अपनी होम स्क्रीन पे आ जाना है। गाइस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, गाइस मैंने यहाँ पे पहले से ही कर रखा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक ऐप डाउनलोड कर रखा है यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर। तो गाइस आपको करना क्या होगा, आपको सिंपल से इसको ओपन कर लेना है। गाइस जैसे आप ओपन करोगे तो गाइस आपको ऊपर की तरफ आपको एक लिंक पेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो गाइस आपको यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देनी है। तो गाइस जैसे मैं यहाँ पे लिंक पेस्ट करता हूँ, गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ सर्चिंग हो रही है भाई वीडियो की। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो आ चुकी है। गाइस हमारी जो यहाँ पे वीडियो है भाई यहाँ पे दो टाइप से हमको वीडियो देखने को मिल जाती है, एक तो है गाइस यहाँ पे HD वीडियो ऑडियो, यानी कि आपको वीडियो भी मिलेगी और ऑडियो भी मिलेगी। अगर आपको वीडियो नहीं चाहिए गाइस आपको यहाँ पे ऑडियो भी मिल जाएगी। तो गाइस आपको इसको डाउनलोड करने के लिए करना क्या होगा, सिंपल से डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप क्लिक करोगे तो गाइस अब आपके सामने यहाँ पे वीडियो की कैटेगरी आ जाती है, आप कौन सी कैटेगरी में वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हो। गाइस वो आपके ऊपर है आप कितनी अच्छी क्वालिटी में वीडियो को डाउनलोड करोगे। तो गाइस मैं तो बोलूँगा आप भाई यहाँ पे 720p की ही वीडियो को डाउनलोड करो, क्योंकि इसका ज़्यादा नेट आपका बेस्ट हो नहीं रहा है, आपका बस 3.37 MB यहाँ पे जा रहा है। अगर आपके पास कम नेट है तो गाइस यहाँ पे आप कम MB वाली भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस सिंपल से मैंने इस पर क्लिक कर दिया, जैसे आप क्लिक करता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो ऊपर की तरफ एक ओके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर ओके कर देना है। तो गाइस आप जैसे ही ओके करोगे तो गाइस आप नीचे लिखा हुआ आ जाएगा वीडियो हैज़ डाउनलोड स्टार्ट। तो गाइस आप वीडियो की आपकी स्टार्ट हो चुकी है तो आपको सिंपल से बैक आ जाना और दोबारा से इसी को ओपन कर लेना है। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी वीडियो आप उसे कैसे चेक कर सकते हो आपकी वीडियो डाउनलोड हो रही है नहीं हो रही। तो गाइस आप देख सकते हो ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वीडियो डाउनलोड होने का। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरी वीडियो है वो यहाँ पे अभी डाउनलोड हो रही है। तो गाइस इसको वीडियो को डाउनलोड होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ही, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी जो वीडियो है वो 85.18% यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरी वीडियो है वो यहाँ पे 100% हो चुकी है। तो गाइस जैसा कि मैं उस वीडियो को आपको अपनी गैलरी के अंदर भी जाके दिखाने वाला हूँ। सो हे गाइस आप देख सकते हो यही वाली जो वीडियो थी जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है, गाइस आप देख सकते हो ये भी जो मेरी वीडियो है वो यहाँ पे आ चुकी है और इसका आपको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। गाइस अगर आपको फिर भी कॉपीराइट क्लेम आ रहा है तो गाइस आपको करना क्या होगा, आपको सिंपल से अपने फ़ोन में कोई भी एडिटिंग ऐप खोल लेना होगा। जैसे गाइस मेरे फ़ोन में एक एडिटिंग ऐप है वीडियो मेकर नाम का, तो गाइस मैंने इसको ओपन किया और सिंपल से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक किया और इस वीडियो को सेलेक्ट किया। ठीक है गाइस अब यहाँ पर वीडियो सेलेक्ट हो चुकी है तो गाइस आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर दो काम करने हैं। गाइस आप देख सकते हो आपको नीचे एक इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ आपको इफेक्ट का ऑप्शन कहाँ से देखने को मिलेगा। तो गाइस आप देख सकते हो नीचे की तरफ आपको इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है तो आपको इफेक्ट पर सिंपल से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो गाइस आपको यहाँ पे एक ये ब्लू स्क्रीन सी देखने को मिल जाती है, ग्रीन स्क्रीन सॉरी। तो गाइस इसको ग्रीन स्क्रीन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है, जैसे आप प्रेस करोगे तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन ही ग्रीन आपको शो हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो को थोड़ा छोटा करके इसको फुल पे मतलब सारी वीडियो पे यहाँ पे कर देना है और गाइस आपको दोबारा से पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे एक स्पीड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे जो वीडियो की स्पीड है उसको भी आपको थोड़ा बहुत आगे कर देना है। तो गाइस मैं वीडियो को स्पीड कर देता हूँ 1.2। अब गाइस अब बात आती है कि
अब ये वीडियो आपके सेव है या नहीं। गाइज ये वीडियो अभी भी अधूरी है, आपको एक और काम करना होगा। चलो गाइज मैं आपको बताता हूँ वो क्या करना होगा, लेकिन उससे पहले आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना आपका वीडियो डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ। तो गाइज अब बात करते हैं यहाँ पे एक चीज़ और क्या ऐड करनी है। तो सिंपल से गाइज आपको एक चीज़ और देखने को मिल जाती है, PIP का ऑप्शन। तो गाइज इसको सिंपल से क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको गाइज यहाँ पर फिर से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं वीडियो फोटोज ऑल। गाइज आपको यहाँ पर फोटोज पर क्लिक कर देना है। जैसे आप फोटोज पर क्लिक करोगे गाइज आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो गाइज यहाँ पर जैसे ही फोटो पे क्लिक किया था गाइज यहाँ पर नीचे के आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आपका फोटो अब भाई यहाँ पे गोल गोल हो चुका है। तो गाइज इसको छोटा यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे आपको इसको फोटो को लगा देना है। गाइज इससे क्या होगा कि आपका जो वीडियो है इस शॉर्ट वीडियो जैसी अब कोई यूट्यूब पर और कोई वीडियो नहीं रही तो भाई आपका कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, 100% रियल है। और गाइज यहाँ पर ऊपर की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है वीडियो सेव करने का, सिंपल से उस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो गाइज जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो गाइज अब यहाँ पे ऑटोमेटिक क्वालिटी का आ जाता है। गाइज अगर आप और ज़्यादा मेहनत करते हो तो आपकी वीडियो यहाँ पे 2K की, 4K की और 1080p की भी डाउनलोड हो सकती है। तो गाइज मैंने इस पर ज़्यादा मेहनत की नहीं क्योंकि इस पर अब कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, तो सिंपल से मैंने सेव पर यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो गाइज जैसे यहाँ पर सेव पर क्लिक करता हूँ तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड वगैरह आते हैं, आपको कुछ करना नहीं है, इसको ऐड वगैरह को यहाँ पे काट देना है। तो गाइज आप देख सकते हो ऊपर की तरफ आपको वीडियो सेव करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। गाइज ये वीडियो सेव हो रही है और गाइज इसी वीडियो को मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा दूसरे वाले पे और उस पर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, जैसा कि उस चैनल पर मैंने और भी वीडियो अपलोड की हुई है। गाइज अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो को एडिट कैसे कर सकते हैं और भी इस एप्लीकेशन के बारे में एडिट करने के टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो गाइज आपको मैं उस वीडियो के उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो गाइस मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।